जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 4 वर्षों में जो महंगाई हुई है उसने पिछले 70 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और आज जो नई हुकूमत सामने आई है इस हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, बिलखसूस मौशी चैलेंज। इस मौशी चैलेंज के पेश नज़र इस हुकूमत को कुछ मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ रहे हैं। हमें इस बात का अंदाज़ा है कि इन मुश्किल फ़ैसलों की वजह से महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई जब बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा जो गरीब तरीन फैमिलीज़ हैं उन पर असर होता है, और इसीलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तकरीबन 28 अरब रुपये का एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है। ये रिलीफ पैकेज टारगेटेड सब्सिडी की मद में इस्तेमाल होगा उन गरीब फैमिलीज़ को रिलीफ फराहम करने के लिए जो इन फैसलों से परेशानी में आएंगे, तकलीफ़ में आएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा इस्तेमाल करके टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। 8 मिलियन लोग यानी 80 लाख लोग ऐसे हैं जो बेनज़ीर कार्ड के ज़रिए पहले ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे हासिल करते हैं, उनको मज़ीद 2,000 रुपये इस रिलीफ पैकेज के ज़रिए दिए जाएंगे। लेकिन इसके अलावा 6 मिलियन यानी 60 लाख लोग और शामिल किए जाएंगे जो कि 2,000 रुपये हासिल कर सकेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि 786 के ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजिए, अगर तो आप 80 लाख लोगों में शामिल नहीं हैं जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप 786 पे अपना आईडी कार्ड भेजेंगे, अगर आपकी इनकम 40,000 या 40,000 से कम होगी उस सूरत में, और हम आपका आईडी कार्ड नंबर जो है वो फिर पावर्टी स्कोर बोर्ड के ज़रिए मालूम करेंगे कि आप मुस्तहक हैं या नहीं हैं, और आपको 2,000 रुपये इस तरीके से मिल सकते हैं। आपसे ये दरख्वास्त है कि 786 पे आप अपना आईडी कार्ड नंबर भेजें और वज़ीर आज़म साहब का जो ऐलान है उससे फ़ायदा हासिल कीजिए। बहुत शुक्रिया।